बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेंद्र शास्त्री फिर से अपने बड़े बोल को लेकर चर्चाओं में है। इस बार धीरेंद्र शास्त्री ने साईं बाबा को लेकर एक बयान दिया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। धीरेंद्र शास्त्री वीडियो में ये कहते नजर आ रहे हैं कि वो साईं बाबा को भगवान नहीं मानते। दरअसल हुआ कुछ यूं कि धीरेंद्र शास्त्री के एक भक्त ने उनसे सवाल पूछा। उन्होंने पूछा, मेरा सवाल है कि बहुत सारे लोग हमारे देश में साईं भक्त हैं, लेकिन सनातन धर्म साईं की पूजा को नकारता सा दिखता है, जबकि साईं की पूजा सनातन पद्धति से ही होती है। कृपया करके आप इस पर प्रकाश डालिए। भक्त के इस सवाल पर धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि वो साईं बाबा को भगवान नहीं मानते। हमारे देश में शंकराचार्य जी ने साईं बाबा को देवताओं का स्थान नहीं दिया है, और शंकराचार्य की बात मानना हर सनातनी का धर्म है, क्योंकि वो आपके धर्म के प्रधानमंत्री हैं। धीरेंद्र शास्त्री ने आगे कहा कि सबकी अपनी अपनी आस्था है, हम किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहे, पर इतना कह सकते हैं कि साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं हो सकते। उन्होंने कहा, देखो भाई, गीदड़ की खाल पहन कर कोई शेर नहीं बन सकता, भगवान भगवान है और संत संत है। साईं बाबा पर दिए गए बयान के बाद धीरेंद्र शास्त्री एक बार फिर से चर्चाओं में है। आपको बता दें कि हाल ही में कुछ दिनों पहले राजस्थान में धीरेंद्र शास्त्री ने कहा था कि कुंभलगढ़ में जो हरे झंडे हैं उन्हें हटाकर भगवा लगवा दो। शास्त्री के इस बयान के बाद भी राजस्थान पुलिस ने उन पर केस दर्ज किया था। इस बयान के ठीक दो दिन बाद पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार किया था। दरअसल ये 5 युवक किले में भगवा झंडा फहराने का प्रयास कर रहे थे।